कोरोना फिर तेज अपना पांव पसार रहा है। झारखंड में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना को लेकर एहतियात अभी से बरसने शुरू कर दिए गए हैं। आज राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना से निपटने के लिए तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। रांची के सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल हुआ, जिसमें टेम्परेचर नापने से लेकर मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट तक पहुंचाने तक सारी चीजें मॉक ड्रिल के जरिए दिखाई गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मॉक ड्रिल में पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा कर ली गई है। देखिए झारखंड ने पूर्व में भी 3 बार जो कोविड का दुष्प्रभाव पड़ा था, उस दुष्प्रभाव के विरोध में झारखंड ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड की इस विभीषिका को मात दी थी। और आज देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड की अन्य राज्यों से ज़्यादा कोविड के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर कोविड ने फिर दस्तक देने का काम किया है। और इसी को दृष्टिगत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था कि कोविड को लेकर हमको फिर से अपने राज्य को फिर से पुनः समीक्षा करनी होगी, और उसी के तहत हम लोगों ने कल सभी उपायुक्त, सभी सिविल सर्जन और विभिन्न हमारे बड़े अस्पतालों के अधीक्षक, RDD सबकी एक संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया कि हम जितने हमारे PSA प्लांट हैं, जितने हमारे LMO हैं, जितने RT-PCR हैं, ट्रूनेट की मशीन है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, कोबास 6800 है, वो सारी चीज़ों को इसी के साथ मैन पावर हमारा क्या स्थिति में है, वो सारी चीज़ों का हम अवलोकन करेंगे। सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिले में सभी उपायुक्त भी अलग अलग तरीके से और हमारे अधिकारी भी अलग अलग क्षेत्र में जाकर मॉक ड्रिल करके सारी वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। अभी हम राज्य की जनता को ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे लोग सुरक्षित हैं। अभी राज्य में 21,680 बेड हमारे सुरक्षित रखे हुए हैं, 1,447 हमारे पास ICU के बेड हैं, 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर युक्त बेड हैं, हमारे पास 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, और हमारा 122 PSA प्लांट भी ठीक है। इसी के साथ कोबास 6800 की 2 मशीन लगी हैं, 27 RT-PCR लैब हमारे जो हैं लगाने की प्रक्रिया है, कुछ जो है प्रक्रियाधीन है, कुछ लग चुके हैं, और हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। और हमने कल भी सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया था, हमारे ACS साहब ने भी बहुत समीक्षा किया, और हमने निर्देशित किया कि पूर्व का जो हमारा SOP है और उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिए नए SOP में क्या क्या हम ला सकते हैं, वो सुझाव जैसे ही आते हैं तो हम उस सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी से उस पर डिस्कस करके उनका आदेश निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। और उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी जितने हमारे LMO प्लांट हैं या PSA हैं या हमारे पास 16,000 से ज़्यादा हमारे पास B टाइप और D टाइप के हमारे जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, तो हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि फायर नॉर्म्स उसमें सही है कि नहीं है, हमारे जो PSA प्लांट से जो हमारा ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है वो जनरेशन सही है कि नहीं है,
फिर हमारा जो है एलएमओ से जो हमारे बेड तक जा रहे हैं मरीजों के पास, उसमें उसका प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं है, तो सभी चीज़ों का मूल्यांकन करके फिर आपको याद होगा कि एक ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम आया, तो वो सब भी हम इस बार सारी चीज़ों का सूक्ष्म विवेचना कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग ये मॉक ड्रिल करने आए हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं और आगे भी समीक्षा करेंगे। हमने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से उस दिन बातचीत किया था, और बातचीत में ये भी उनसे कहा था कि एनएचएम से जो पैसा है, जो 60-40 का हमारा रेशियो राज्यांश, उसमें 40 है, 60 हमारा केंद्रांश है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि वो पीएसए प्लांट वगैरह में जो मैन पावर की कमी है उसको भी एनएचएम से जोड़ दिया जाए, और वो उन्होंने भी सहमति दी है। और इसके बाद भी हम लोग जो है, जो हमारा उपायुक्तों के माध्यम से जो हमारा डीएमएफटी फंड वगैरह है, उससे भी हम मैन पावर वगैरह लेंगे, उसमें कोई कमी हम राज्य की जनता में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, और इसमें कोई न डरने की ज़रूरत है न घबराने की ज़रूरत है। जितने पेशेंट अभी तक 63 पेशेंट आए हैं, 63 में सभी करीब करीब एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, और ज़्यादा तक होम आइसोलेशन में है, तो इसलिए। लेकिन चूँकि दूध का जला हुआ आदमी मठा को भी फूक के पीता है, पूर्व में जो है डेल्टा वेरिएंट का कोप भाजन जिस तरीके से हम शिकार हुए हैं, तो हमारे हृदय में उसके जो है काफ़ी गहरे घाव हैं, तो इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे, और समय रहते हुए सारी चीज़ों का। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमको जो है किस्त के हिसाब से वैक्सीन दिया जाए, 50,000 किस्त पहले दिया जाए, और उसमें जो वैक्सीन हमको मिले वो वैक्सीन का जो एक्सपायरी का ड्यूरेशन है वो सही हो। ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीन मिल जाए और उसका एक्सपायरी जो है केवल 1 महीना का रहे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे। तो सारी चीज़ों पर हम लोग गंभीर हैं। आपके माध्यम से हम आम जनता को ज़रूर कहेंगे कि न डरने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। राज्य सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है, और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।